हेलो प्यार बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ में आज जो है मिशन 2022 के अंतर्गत चैप्टर नंबर हम साढ़े पढ़ा रहे हैं, चैप्टर एक्सरसाइज जो है 4.5, ठीक है। इसका आज लेक्चर नंबर 9 है। कल जो है आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें तीन इक्वेशन, तीन अननोन यानी एक्स वाई जेड का मान निकालना हम सिखाएंगे। लेकिन आज का विशेषण उतना कमज़ोर नहीं है जितना कि कल होने वाला, ठीक है। आज का विशेषण बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह का सवाल पूछा गया कि एक आप भी दे देगा 2x2 ऑर्डर का चाहे 3x3 ऑर्डर का, कहेगा कि दिखाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a+7 (y) इक्वल टू जीरो। जीरो यहाँ पे जो है ना, ये जीरो नंबर नहीं है, आर्यभट्ट वाला जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स है बच्चा, क्लियर हुआ। ये जीरो मैट्रिक्स है, थोड़ा बड़ा जीरो दिखाएंगे। और साथ में यही बात नहीं खत्म हो रही है, बात यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है इसके हेल्प से। ये जो ए स्क्वायर माइनस 5a ये तो आप दिखा लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा। ए इनवर्स निकालने का हमने जो तरीका बताया था पिछले लेक्चर में कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, साथ में डिटरमिनेंट की वैल्यू। अगर आप ऐसे निकालेंगे तब तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स कैसे पूछता है, हम बार बार कहते हैं कि सवाल को किस मेथड से, किस फार्मूले से, किस तरीके से पूछता है। अगर आप उस तरीके में आप लगाते हैं तो अगर सवाल प्रश्न गलत भी हो जाते हैं, आपके आंसर गलत भी होता है, तो नंबर कुछ न कुछ मिल जाता है। लेकिन आप तरीका ही एकदम चेंज कर दें, आप पूछ रहा है कि इस तरह से निकालिए, इसकी हेल्प से निकालिए ए इनवर्स, ठीक है, और आप फार्मूला लगा दिए ये वाला, तो जीरो नंबर देने में कतई नहीं। एक बार भी नहीं सोचेगा एग्जामिनर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, तरीका क्या है, मेथड क्या है। चलिए तो आइए सेशन शुरू करते हैं। कल के सेशन में आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, ठीक है, इसलिए सभी छात्रों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ में आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है, इसमें दो हिस्सा है, इसे 5 अंक का सवाल पूछा गया है। चलिए बच्चों, यहाँ पर पहले सॉल्यूशन करते हैं। ए इनवर्स भी निकालना है इसी क्वेश्चन में। आपके बुक का एक्सरसाइज 4.5 का 13वां क्वेश्चन है। इसके पहले वाले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान है। इसमें जो है ए स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर बोले तो आव्यूह ए के साथ मल्टीप्लाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5 into a यानी आव्यूह ए में 5 का मल्टीप्लाई, 7 into i, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिंदी बोले तो तत्समक आव्यूह, इसमें कोई बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं, ठीक है। 3 1 दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई करना खूब अच्छे से बताया गया है, ठीक है। ये दोनों तो वर्ग आव्यूह हैं, ये चेक करना ही नहीं है कि दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, एकदम पॉसिबल है। जब दो आव्यूह एक ही वर्ग हों, एक ही कोटि के हों, ठीक है, वर्ग आव्यूह हों, चाहे 2x2 ऑर्डर का चाहे 3x3 ऑर्डर का, तो मल्टीप्लाई एकदम पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो टू कॉलम, 3 पड़ेगा 3 पर, 1 पड़ेगा -1 पे, ये फाइनली 8 हो जाएगा। R1 को उठाएंगे C2 पे रखेंगे, 3 पड़ेगा 1 पे, 1 पड़ेगा 2 पे, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई होता है जरा जाके देखें, आव्यूहों का मल्टीप्लाई। R2 उठाएंगे किस पे रखेंगे, C1 पे, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा 3 पर, 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, फाइनली आ जाएगा -5, ठीक है। R2 का काम खत्म नहीं हुआ, R2 को उठाएंगे C2 पे, दूसरे कॉलम पर रखेंगे, तो -1 पड़ेगा 1 पर, 2 पड़ेगा 2 पर, ये फाइनली 3 आ जाएगा, ठीक है, इसको रहने दीजिए। 5a का मतलब क्या है बच्चा, 5a, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दें, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसमें a इनवर्स निकालना, देखिए कैसे निकलेगा, बहुत टेक्निक्स निकल जाएगा विद इन 30 सेकेंड, ठीक है। लेकिन पहले आप ये प्रूफ करेंगे कि ये 0 आव्यूह के बराबर होगा। a क्या बच्चा, 3x3 (1, -1, 2), ठीक है। अब यही सोचने की, सर चल तो रहा था साड़िक, आ गया आव्यूह, अरे कहाँ, ये साड़िक आव्यूह एक साथ चैप्टर है 13 अंक के, ठीक है। और हमने डेट, हाँ 22 तारीख से आपको कैलकुलस मिलेगा, कैलकुलस शुरू करेंगे 22 तारीख से, ठीक है।
दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अन अकेडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम यूपी 10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। 22 तारीख को मेरी पहली क्लास होगी कैलकुलस में, ठीक है, जिसमें कि हम शुरू करेंगे पहले आकलन एक्सरसाइज 5.1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी का। तो आप जितने भी छात्र अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो कैलकुलस से ही कम से कम कैलकुलस पोर्शन तैयार कर लें 44 अंक का, तब भी आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है। जहां से आप शुरू कर दें वहीं से बात बन जाएगी। 5 का मल्टीप्लाई कैसे होगा बच्चा, हर जगह होगा, 5 तीन 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, -5, और यहाँ पर हो जाएगा 10, क्लियर हुआ। 7 × i कर दीजिए, 7 × i निकालिए, i क्या है बच्चा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, ठीक है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा 07, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी a स्क्वायर निकालिए, 5a निकालिए, 7 × i कर लिए। देखिए अमूमन होता क्या है कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस 5 है, यानी ए स्क्वायर ए है और 5a ये है, ठीक है, तो ए स्क्वायर में से 5a अब निकालिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 × i। अब ये सोचेंगे सर ये पहले जो जोड़ घटाने वाला रूल में आता है कि जोड़ घटाना जो होता है ना, भाग क्या देते हैं, पहले भाग करते हैं गुणा, भागो जोग वाला रूल, वैसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। आप चाहें तो इसमें से इसको घटा के जो आएगा इसको करिए, अभी देखते हैं। जीरो नहीं आपको लिखना है यहाँ पे, जीरो लाना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, RTP है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, ठीक है। मज़ा आ रहा है, थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर करें, सेशन को शेयर करें, और ज़्यादा ए स्क्वायर क्या है बच्चा, 8 5 -5 3, ठीक है, -5 a क्या है बच्चा, 15 5 -5 10, ठीक है, 15 5 -5 10, ठीक है। 7 i क्या बच्चा, 7 0 0 7। आप चाहें तो इस आव्यूह को पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद जो आएगा घटा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसको पहले जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ लीजिए। तो कैसे आप भी जोड़ता है, संगत है, यानी इस आव्यूह का फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इस आव्यूह के फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के साथ ऐड होगा। 8 साथ जुड़ेगा अपने जीवन काल में, बताइए 15 हो जाएगा, 5 0 0 के साथ जुड़ेगा 5 हो जाएगा, -5 ये -5 होगा बच्चा, 3 जुड़ेगा 7 के साथ 10 हो जाएगा, माइनस ये बच्चा 15 5 -5 10। अब बताइए ये आव्यूह और ये आव्यूह समान है कि नहीं, ठीक है, तो घटेगा तो 0 आ जाएगा, आ जाएगा, आ ही गया, ठीक है। ये पहले ऐसे लिखाना पड़ेगा 0 0 0, और तब जाके एक बड़ा सा 0 लिखेंगे, तो 0 का मतलब होता है 0 मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, ठीक है, शून्य आव्यूह बोलते हैं हिंदी में। चलिए ये तो प्रूफ हो गया पहला ऐसा, लेकिन चलिए ये हमने दिखा दिया कि ए स्क्वायर माइनस 5a × 7 × i = 0 है, 0 मैट्रिक्स है, ये तो हमने दिखा दिया। लेकिन अब इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स निकालना है, यानी आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स वो कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा खेल है, इसमें 5 अंक का सवाल यही है। चलिए अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 15 16 कहाँ तक है भाई, 16वां क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे ही है, ठीक है, 14 15 16। तो एक जो हमारा प्रोसेस है, जो तरीका है हल करने का, एक सवाल पे सीख लेते। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5, चूंकि ए स्क्वायर माइनस 5 a × 7 × i = 0 हमने प्रूफ कर दिया है, अब क्या करेंगे, पूरे आव्यूह में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझिएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दीजिए, पूरे आव्यूह में, यानी समीकरण
यानी समीकरण एक में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई का गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर, ठीक है कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चाहे आप बाएं साइड करिए ए, ठीक है, माइनस फाइव ए इनवर्स इंटू ए प्लस सेवन ए इनवर्स, ठीक है, आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो, ठीक है, ए इनवर्स का पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ से हमको पता है किसी आव्यूह के इनवर्स से और उसी आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इससे सहमत है कि नहीं। ये जो ए स्क्वायर है इसको लिखेंगे ए इंटू ए, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन समझ लेंगे, ए यहाँ पर ए इसको कर दीजिए, ए स्क्वायर में से एक ए निकाल दिए, सही है, ये ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस फाइव इंटू आई, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए इनवर्स इंटू आई करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तत्समक आव्यूह में तो हमेशा जो है वही मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे ही है जैसे वन होता है, वन में अगर आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है। एक्स का वन में करेंगे बच्चा तो एक्स ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर आई में यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, ठीक है। तो सेवन इंटू ए इनवर्स इंटू आई ई हो जाएगा बच्चा सेवन इंटू ए इनवर्स, और जीरो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आएगा, शून्य अभी आएगा। ये क्वेश्चन में, इस सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इसके बाद वाले जितने प्रश्न हैं, ठीक है। बस इतना ही अंतर होगा कि उसमें थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का जवाब भी दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्या ही बवाल है सब। इन्वर्स निकालने का 36 वो तरीका है, ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चा, फिर से आई इंटू ए माइनस फाइव इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहने दीजिए, सेवन इंटू ए इन्वर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जीरो, ठीक है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से क्या आ जाएगा बच्चा, ए माइनस फाइव इंटू आई प्लस सेवन इंटू ए इनवर्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ए इनवर्स कहीं पर रोकिए, बाकी सबको दूसरे साइड टारिए, देखिए कैसे इनवर्स आ रहा है, बड़ा टेक्निकली आ रहा है ना। ये माइनस फाइव आई ए बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये तो सेवन ए इनवर्स निकालना है, ये क्या हो जाएगा फाइव आई है तो प्लस फाइव आई, ए है बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस ए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं यूज हो रहा है। सेवन इंटू ए इनवर्स, ठीक है बच्चा, फाइव इंटू आई माइक, ठीक है ना, हाँ, वन जीरो जीरो वन, जो बच्चे अभी भी सोए हैं ना, जग जाए ना तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है। थ्री वन माइनस वन टू, ए क्या है जो ओरिजिनल आ गया, इसलिए सवाल पाँच अंक है, ये नहीं कि ए स्क्वायर माइनस फाइव ए इंटू सेवन आई इज्कल टू जीरो दिखा दिए तो हो गया, ये तो आसान है, असली खेल तो इसमें है, ए इनवर्स निकालना, छोटी छोटी चीज़ें यूज हो रही हैं इसमें। सेवन इंटू ए इनवर्स, ठीक है, उससे तो अच्छा ये फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव जीरो जीरो फाइव, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थ्री वन माइनस वन टू, ठीक है। सेवन इंटू ए इनवर्स, पाँच में से तीन घटा पाएंगे अपने जीवन काल में, दो आएगा, जीरो में से वन घटाएंगे माइनस वन, जीरो में से वन घटाएंगे बहुत लोग सोचे घटेगा ही नहीं, अरे जीरो में से वन घटाएंगे माइनस वन आएगा, जीरो में से माइनस वन को घटाएंगे तो ये वन हो जाएगा, फाइव में से टू घटाएंगे थ्री हो जाएगा। सेवन हमें ए इनवर्स निकालना है, सेवन क्या कर रहा है इधर मल्टीप्लाई, इधर भेज दीजिए डिवाइड करेगा, यही हुआ ए इनवर्स, यानी इस आव्यूह ए का ये व्युत्क्रम आव्यूह है और ये ऐसा आव्यूह है कि अगर ए का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यही परिभाषा है व्युत्क्रम आव्यूह का, इनवर्स मैट्रिक्स का, क्लियर है मेरी बात, क्लियर हुई। इसमें एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं कि जो भी इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे यहाँ पर ए इनवर्स, अब ये जो टर्म है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, ए इनवर्स का यहाँ किए फाइव इंटू ए इनवर्स इंटू ए सेवन ए इनवर्स इंटू ए आई, ये तो जीरो ही आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए हमेशा आई होता है, हमने लिख दिया, इसमें से एक ए निकाला, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ, चाहे इनवर्स हो, चाहे बी हो, चाहे सी, किसी प्रकार का भी हो, वही ओरिजिनल आ भी आ जाता है। ये प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आधारित बहुत लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 तो संभवतः नहीं है, है ठीक है, 14 है, 15 है, 14, 15, 16, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन हैं, इसी क्वेश्चन पर आधारित है, इसी पर आधारित है ना। इसमें देखिए कैसे इन्वर्स निकल के आ रहा है ना, एडजॉइंट निकालने की जरूरत है ना, सखंड जाब्यू ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की आवश्यकता है, ठीक है। कितना आसानी से आ जा रहा है, क्लियर वाई क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मिशन 2022। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके समक्ष दिख रहा है। इसके पहले क्वेश्चन है आपके बुक में, 13वां है कि कौन सा है, 12वां है कि अगर दो आव्यूह हैं, ठीक है, तो ए वाला प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होता है कि ए इंटू बी इनवर्स, ये रिवर्स ऑर्डर में इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल के माध्यम से भी एक है, तो आप ए इंटू बी करके जो आव्यूह आएगा उसका इनवर्स निकालिए, बी का इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स का निकालिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कभी भी ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ए बी का इनवर्स, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें, कुछ भी नहीं लिख देना है, क्लियर है। तो जो रूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हमें याद रखने हैं, बाकी सारी चीज़ें तो आपको बताई जा रही हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ़ है तो बताइए, ठीक है। अभी तक बारिशें हो रही हैं काफ़ी, बनारस में तो कल बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है, आपके यहाँ क्या माहौल है भाई, ज़रा बताएं तो बारिश का। एक आव्यूह ए दिया है, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इजकल टू जीरो, जीरो मतलब यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। हमें ये चीज़ संतुष्ट हो रहा है, ये कंडीशन इस बार हमें दिखाना नहीं है, ये चीज़ है, तो हमें ए और बी का मान बताना है, इस बार उल्टा सवाल है, ठीक है। तो हमें पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है, यानी 3, 2, सभी लोग कैलकुलेट करें खुद से, ए हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर रो टू कॉलम मल्टीप्लाई, R1 को उठाएंगे, जो बच्चे एकदम नया हैं जिनको आव्यूह का मल्टीप्लाई नहीं आता है तो कम से कम वो ध्यान से देखें, जिनको आता है तो वो करें, ठीक है बेटा। हमेशा R1 को उठाएंगे, इसको रखेंगे C1 पर, 3 पड़ेगा 3 पर, तो जो जिस पे पड़ता है मल्टीप्लाई होके बाकी उसके साथ ऐड हो जाता है, 3 पड़ेगा 3 पे 9, 2 पड़ेगा 1 पे तो 2 हो जाएगा, तो 9, 2, 11, अरे वाह 9, 2, 11 हो जाना। इस पे R1 को उठाएंगे, रखेंगे C2, 3×6 यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। R2 को उठाएंगे, C1 पर रखेंगे पहले कॉलम पर, 1 पड़ेगा 3 पर, 1 पड़ेगा 1 पे, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। R2 को उठाएंगे, C2 पर रखेंगे, C2 फार दूसरा कॉलम, 1 पे 2, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया ए स्क्वायर, ए इंटू ए, बहुत आसान है, तब सब कुछ कर दीजिए यहाँ पर, 11×8, ठीक है, 4×3 बच्चा, प्लस ए इंटू ए, कांस्टेंट नंबर है, कैपिटल ए, ठीक है, 3×2, 3×2, 1×1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी इंटू आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें शैतानी बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं यार आई लिखा है तो अपने मन से 3x3 ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है 3x3 ऑर्डर के आप भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने में, मुझे खुद अच्छा लगता है, ये देखने में बड़ा सिमेस्टिक लगता है ना, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, सुंदर लगता है ना देखने में। अरे ऐसा नहीं करना है, जब आप भी 2x2 ऑर्डर की बात हो रही है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का ही लेना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का आप भी होता तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, आपको इसका महत्व पता चल गया होगा। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, 3 इक्वेशन 3 अननोन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से हर साल आपके 10 साल से लगातार सवाल पूछते हैं 6.5 से, ठीक है। ये जीरो है बच्चा ना, ये जीरो मैट्रिक्स होगा, 0, 0, 0, 0, क्लियर हुआ, इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए।
ए है तो ये हर जगह मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये अब अगले स्टेप में करिए, 3a 2a यहाँ पे हो जाएगा बच्चा a, यहाँ पर हो जाएगा a। ये b है, हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, b जीरो में होगा जीरो हो जाएगा यहाँ पर होगा, ठीक है। एक स्टेप खा गए, अगले स्टेप में आप कर लीजिएगा। अब तीन आव्यूह ऐड होंगे, ठीक है। तीन आव्यूह कैसे ऐड होते हैं कर लीजिए, 11 प्लस 3a प्लस b, क्योंकि दो तीनों ही जो आव्यूह हैं उनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो 11 प्लस 3a प्लस b, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 प्लस 2a प्लस 0, ठीक है, 8a प्लस 2a प्लस 0, ये हमारा यहाँ का हो गया। 4 प्लस a प्लस 0, ठीक है, 4a प्लस नहीं 4 प्लस a प्लस 0, इसमें कोई दिक्कत। 3 प्लस a प्लस b, ठीक है, 3 प्लस a प्लस b, इसकल टू यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 0 0 0 0। देखिए स्मार्ट बोर्ड और इस बोर्ड में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, चीज़ें आपको वही हम बताएंगे, वही टीचर, वही चीज़, थोड़ा सा वो मॉडर्न जैसा लगता है, ठीक है। उसका भी उपाय हो गया है, संभवतः देखिए 4-5 दिन में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपसे ज़्यादा हम लोग उत्सुक हैं, ठीक है, 2 साल से हम लोग इस पर पढ़ा रहे हैं, न जाने कितना हम लोग चौक खा चुके हैं। बचपन में तो हम खूब चौक खाते थे, मॉनिटर रहा करते थे ना, तो खूब चौक खाते थे, और वो ऐसे आता दूधिया, हम लोग दूधिया बोलते थे उसको, बाद में पता चला तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ए और बी का मान बताना है, इस वाले हिस्से को इसके बराबर कर दीजिए जीरो के, तो यहाँ से ए का मान निकल के आ जाएगा 8a, क्योंकि दो आव्यूह बराबर कब होते हैं बच्चा, दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब संगत अवयव यानी यहाँ का अवयव इसके बराबर, यहाँ का अवयव इसके बराबर, यहाँ का इसके बराबर, यहाँ का इसके बराबर, संगत अवयव कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। पहले 8a, ठीक है, तुलना करेंगे तो 8 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा -4, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 11 प्लस 3a प्लस b, ये कर देंगे 0 के बराबर, ठीक है, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू कर देंगे बच्चा 0 के बराबर, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है a का मान निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर 11, a का जगह -4 रखें -12 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 0, 11 में से -12 है, -1 बराबर को उधर ले जाएंगे 1 हो जाएगा, ये a आ गया, ये b आ गया, ठीक है। तो हर बार इनवर्स ही पूछे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें और भी सवाल क्या पूछ रहा है भाई, ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है, इसमें ए इनवर्स नहीं निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में ए इनवर्स निकालना है, 3x इसमें ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब वाला बहुत कम पूछता है, ठीक, बहुत लेंदी हो जाता है वो, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ए क्यूब निकालने में बहुत समय लग जाता है। अगर किसी ने कहा सर कि हम 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 लाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको हम बराबर करेंगे 0, तो वहाँ से डायरेक्ट इसमें ए किसी एक वेरिएबल का मान निकल जाता है, यहाँ से देखिए इस वाले को जब इसको 0 किए तो ए का मान निकल गया, चाहे इसको बराबर करके 0 निकालिए बी का मान, ठीक है, किसी को बराबर करके निकालेंगे निकल जाएगा, या दो इक्वेशन दो अनोन बन जाता है ए और बी में, विलोपन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं इलिमिनेशन मेथड से, कोई दिक्कत है। आई होप मिशन 2022 जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, एक युद्ध की तरह है, एक हमें इस पर विजय हासिल करना है, इसका लेक्चर नंबर 9 था साड़ी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये आपके लिए होमवर्क है, दो क्वेश्चन 15 16 17 18 तो MCQ हम करा देंगे उसको कहीं ना कहीं। तो मेन जो चीज़ है इनवर्स निकालना, एडजॉइंट आपने सीखा ही निकालना, और कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं हम और डिस्कस कर देंगे एडजॉइंट की, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, तो आप थोड़ा बुक भी पलटा करें, ठीक है। जैसे एक प्रॉपर्टी, अच्छा सिंह विद्युत्क्रमणीय आव्यूह और अविद्युत्क्रमणीय आव्यूह समझ में आ गया ना,
व्युत्क्रमणीय आवयवी वो होते हैं जिसके डिटरमिनेंट का मान, ठीक है, जिसके डिटरमिनेंट का मान शून्य नहीं होता है, तो व्युत्क्रमणीय आवयवी होते हैं। ठीक है, क्या क्या है हम? अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये है कि जैसे एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें, ठीक है, या एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसी, तो ये कुछ नहीं, इसका मान क्या होता है भाई? हाँ, ये चीज़ आ जाता है। बहुत आसान है क्वेश्चन, क्या है भाई? सही है, एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का, सबकंडस आप भी एक एडजॉइंट निकाल के उसी आप के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में भी करेंगे तो होता है क्या है कि जो आप भी ए है उसके डिटरमिनेंट का मान इनटू आई, ये होता है, बहुत आसान, कई बार पूछा गया है, ये सब एमसीक्यू में हम कराएंगे। अगर आप ज़रा भी उत्सुक हैं, दो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं आपको 15 और 16, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी 4.6 और साथ में अनअकैडमी पर भी हम वहाँ पे कुछ छोटे हुए सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी करा रहे हैं 3:30 बजे, ठीक है, 3:30 पर शाम को, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जहाँ से मिले ज्ञान वहाँ से आप बटोरिए, कोई इसमें परेशानी नहीं है, किसी को मना ही नहीं है, सब फ्री सेवा है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। कल हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 3 इक्वेशन 3 अननोन, एकदम ब्रह्मास्त्र सवाल है ये, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन ये सवाल आए नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी सवाल का आना निश्चित है जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें, लेक्चर बाई लेक्चर देखें, ठीक है, आज लेक्चर 9 है, लेक्चर 8 7 वन से आप उठाएं, साड़ी सीखना है तो वन से उठाएं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो थोड़ा बनाते हैं, 25 से 30 मिनट होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे उसी जोश जुनून के साथ कि हम लोग बेहतर करेंगे कल से, ठीक है। तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय अखंड भारत।